हांडिया प्रयागराज से जहां उतराव थाना क्षेत्र के चिठौली टिटिमपुर गांव में आवास के नाम पर गरीबों को लूटा गया है। पूर्व प्रधान के दलालों द्वारा आवास के नाम वसूली की, फिर भी गरीबों को आवास नहीं दिलवाया गया, जिससे गरीब कुनबे पॉलिथीन और छप्पर डालकर मुफलिसी जिंदगी जीने को विवश है। इस गाँव में अमीरों को लुहिया आवास आवंटित कर दिया गया है, जिससे उनका दो मंजिला आवास लहरा रहा है। सादाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा सिठौली टिटिमपुर गांव के श्यामा देवी पत्नी शिवपूजन पटेल, कविता पटेल पत्नी, अरुण पटेल, लाल बहादुर पटेल, इन गरीबों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले इन गरीबों की स्थिति बद से बदतर है। गांव में देखा जाए तो इनसे निर्धन और कोई दूसरा नहीं है। सीधे साधे भोले भाले इन गरीबों से पूर्व प्रधान के चमचों ने जमकर वसूली की, फिर भी आवास नहीं बनवाए। बताते चले कि यह गांव पूर्व में लुहिया गांव रह चुका है, जिसमें पूर्व प्रधान ने अपने चहेते अपात्र लोगों को खूब जमकर लुहिया आवास वितरण किया। खेतिहर, पक्के मकान, वाहन और नौकरी वालों को भी लुहिया आवास वितरण कर नियम कायदे की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस संबंध में वर्तमान प्रधान फूलकली पटेल के पति राम सेवक सिंह ने बताया कि वे गरीबों को आवास दिलाने के लिए संघर्षरत है, पात्र लोगों को ही आवास मिलेगा। वहीं सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि आवास योजना गरीब लोगों के लिए ही है।